द हैप्पी प्रिंस, जिसका स्टैचू उसकी कंट्री में बना हुआ है। आंखें नीलम की, दिल लेड का, पूरा शरीर सोने का और तलवार पर एक रूबी लगा हुआ। एक दिन एक स्वॉलो उसके ऊपर से गुजरी और उसने हैप्पी प्रिंस की आंखों से पानी निकलता देखा। यूं तो वो हैप्पी प्रिंस कहलाता था, मगर लोगों को दुखी देखकर उसे भी बहुत तकलीफ होती थी। फिर स्वॉलो ने उसका कीमती सामान लोगों तक पहुंचाकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया और हैप्पी प्रिंस को रियल में हैप्पी कर दिया। ये कहानी सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग है, सोचिए देखने में कितनी इंटरेस्टिंग होगी। अक्सर हमें सुनी सुनाई बातें याद नहीं रहती, लेकिन जब उन्हीं बातों को हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखें तो वो बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। इस बात को अगर हम पढ़ाई से जोड़ें तो सोचिए पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसी सोच पर इसरो ने एक सैटेलाइट उतारा जिसे एड्यूसैट के नाम से जाना जाता है। क्या है एड्यूसैट और इसे लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद है, हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, एड्यू वार्ता में आपका स्वागत है। जब हमें बचपन में किताबों से पढ़ाया जाता था, तब कई बच्चों को कुछ टॉपिक्स याद नहीं रहते थे और कुछ बच्चों को वो टॉपिक समझ नहीं आते थे। लेकिन जब उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ वीडियोस दिखाई जाती थी, तब हमें वो टॉपिक्स याद भी रहते थे और समझ भी आते थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एड्यूसैट भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट बन गया है जिसे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मदद से लॉन्च किया। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जिसे 20 सितंबर 2004 में एजुकेशन सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया था। इसका प्राइम मोटिव भारत में डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करना था। एड्यूसैट भारत के स्कूलों का पहला ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बन गया है जिससे भारत के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने 28 जुलाई 2005 में इनॉग्रेट किया था। एड्यूसैट का लक्ष्य था कि टीचर्स को डिजिटल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जा सके, टीचर्स को ये गाइड किया जा सके कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से कैसे पढ़ाना है। इसके अलावा एजुकेशन को भारत के कोने कोने तक पहुँचाया जा सके, स्कूल्स, कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की आपस में कनेक्टिविटी बनाई जा सके और सबसे ज़रूरी बात, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया जा सके। एड्यूसैट का इस्तेमाल वाइड रेंज पर ऑडियंस को केटर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग यानी कि लेक्चर को टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है जिससे बच्चे अपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से देखते हैं। सभी सरकारी स्कूल नवोदय विद्यालय को पहले से ही एड्यूसैट का टाइम टेबल प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एड्यूसैट इंचार्ज होता है जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। किसी भी वर्कशॉप या ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सेंडर्स और रिसीवर्स यानी कि मैसेज को भेजने वाला और मैसेज को रिसीव करने वाला दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर पाए। अब हम बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बात कर ली जाए। एड्यूसैट प्रोजेक्ट को 3 फेजेज में लॉन्च किया गया था, पायलट फेज, सेमी ऑपरेशनल फेज और ऑपरेशनल फेज। पायलट फेज में इस प्रोजेक्ट को 2004 में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इन 3 स्टेट्स में लाया गया और फेज 3 तक पहुंचते सभी राज्य और मेजर नेशनल एजेंसीज को एड्यूसैट ने कवर कर लिया था। दिसंबर 2012 में एड्यूसैट के लगभग 83 नेटवर्क्स थे जो 56,164 स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एड्यूसैट के मिशन को पूरा कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, ये अनुमान है कि हर साल 15 मिलियन बच्चे एड्यूसैट की सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। एड्यूसैट ने स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस को एड्यूसैट के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली रिटार्डेड इन केरला, सीडैक्ट फॉर मेंटली चैलेंज इन केरला। अब क्यों ना एड्यूसैट की सक्सेस के बारे में भी बात कर ली जाए। एड्यूसैट GSAT 3 मॉडल था और इस प्रोजेक्ट को पहले 7 साल के लिए लॉन्च किया गया था। ये प्रोजेक्ट सितंबर 2010 में पूरा हो गया था और इस प्रोजेक्ट को बाद में GSAT 14 ने रिप्लेस किया। GSAT 14 को जनवरी 2014 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड 12 वर्षों तक का था। एड्यूसैट एक ऐसा मिशन है जिसने भारत के सरकारी स्कूलों का तो जैसे नक्शा ही बदल दिया। उन स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स इंट्रोड्यूस करवाए, एजुकेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया
और सबसे ज़रूरी बात, ये सारे प्रोग्राम्स क्षेत्रीय भाषा में इंट्रोड्यूस करवाए। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।